जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। और आपको पाई लेना है 3.14 और जहां रूट 3 आएगा वहां पर लिखना है 1.73। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई और रूट 3। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। इसमें एक कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ नहीं मालूम लेकिन सर्कल की रेडियस यानी त्रिज्या मालूम है और वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है बेटा ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, आगे की बात पहले सुन लीजिए फिर हम इस पर सॉल्यूशन पर आएंगे। हमने क्या किया, ये जो ए बी कॉर्ड है ये जीवा है, केंद्र से इस जीवा पर एक लंब बनाया, सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर बना दिया। क्लियर, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सर्कल की जो कॉर्ड होती है उस पर जब हम सेंटर से एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक, अब मैं अगर ये दो ट्रायंगल ले लूँ तो बेटा ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ये तो दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल की तो इसलिए इक्वल हो गई और ये कॉमन होने की वजह से इक्वल हो गई, तो कौन सी थ्योरम लग गई, SSS, है ना। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट, है ना। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके सभी भाग इक्वल होते हैं यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर। अब ये कितना था सेंटर पे 60 डिग्री का था, इसने क्या किया इसको आधा आधा करके दो हिस्सों में बांट दिया तो 30 ये और 30 ये। अब मैं ट्राइंगल ओ एम बी को लूँ अगर तो इसमें ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, ये कितने का है 30 डिग्री का, तो फिर ये कितना होगा बच्चों, आप जानते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये 90 है ये 30 है तो 90 और 30 होगा 120, है ना। और 180 में से 120 माइनस किए तो 60 डिग्री। ठीक बच्चों, 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर अब हमें इतनी तो मैंने तैयारी करके आपको बता दी, अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये पूरा सेक्टर निकाल लूँ उसमें से ट्रायंगल का एरिया अगर मैं हटा दूँ माइनस कर दूँ तो मुझे ये सेगमेंट ये जो है ब्लैक कलर का ये मिल जाएगा। गॉट इट, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। थीटा कितना है 60 डिग्री, पहले तो हम सेक्टर का निकाल रहे हैं बेटा पूरे सेक्टर का, और इसने इस आर्क ने या कह लो इस कॉर्ड ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है 60, ये वाला एंगल 60 है तो 60 अपॉन 360, पाई को बोल रहे हैं 3.14 लीजिए, सवाल में ही कह दिया, और रेडियस 15 है। ठीक है, कैंसिल शैंसिल किया कर लेना, ये तो आता ही है आपको, कितना आएगा 117.75। ओके, ये क्या हुआ बच्चों, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब बारी है ट्राइंगल की। अगर मैं यहाँ से देखूँ बेटा तो ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना, कर्ण कितना है यानी हाइपोटेन्यूज कितना है 15, तो ये हम बता सकते हैं। देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो बी ओ एम कितना होगा ए ओ बी का आधा, ये ए ओ बी का हाफ, तो 30 डिग्री तो मैं आपको बोलकर बता चुकी हूँ। फिर इस तरीके से तीनों का सम 180 है, जोड़ दिया मैंने बोलकर तो सब बता दिया, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब हम आते हैं साइन 60। साइन थीटा क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण, तो लंब है ओ एम और कर्ण है ओ बी, है ना, तो ओ एम तो मालूम नहीं है लेकिन ओ बी कितनी है 15, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमको ओ एम ये मिल गया। अब आ जाइए कॉस थीटा पर, कॉस 60, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है एम बी
और हाइपोटेन्यूस से ओबी, ओबी यानी रेडियस कितनी है 15, एमबी तो मालूम नहीं है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इस तरीके से देखा तो एमबी आ गया 15/2। अब एबी क्या है बेटा, ये एबी कॉर्ड है ना, एबी, एबी क्या है, कॉर्ड है, और एमबी एबी का आधा था, हाफ था, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, है ना, ओएम ने एबी को बाइसेक्ट किया था, समद्विभाजित किया था, तो फिर एमबी हमको मिल गया है 15/2, तो एबी कितना होगा, एबी एमबी का डबल होगा, ट्वाइस होगा, तो फिर ये आ गई 15, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना एबी, हाइट कितनी ओएम, एबी निकाली अभी 15 आई, ओएम निकाली अभी 15√3/2 आया, सिंप्लीफाई किया, एंड में √3 को 1.73 रख दिया, इनको भी मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया बच्चों, तो ये आ गया। अब इतनी मेहनत करके ये क्या आया है, ये आया है इस ट्रायंगल का एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का तो ये था, है ना। अब बात ही कितनी रह गई, कुछ रह ही नहीं गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, घटा दीजिए आंसर, क्लियर। ये हो गया माइनर यानी छोटा वाला, लघु लघु। अब अगर मैं कहूँ ये बड़ा वाला बताओ, बड़ा वाला क्या करो, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ये माइनस कर दो, तो बचेगा क्या, ये बड़ा वाला ही तो बचेगा, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त खंड का अभी अभी निकाला, यानी कि माइनर सेगमेंट का अभी अभी निकाला है, वो लिख दिया पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 3.14, आर हो गया 15 हो गया, सॉल्व किया तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों बताओ, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं, पाई और √3 भी वही दे रखे हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, उसमें 15 था रेडियस, इसमें 12 है, एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री, उसमें 60 था एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, वही बिल्कुल पुरानी कहानी है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हमको ये चाहिए बेटा, ये सेगमेंट है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, कैलकुलेट कर लो, थीटा की जगह लिख दो 120 अपॉन 360, पाई की जगह पर 3.14, आर कितना है 12 इंटू 12, ठीक है, सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई वगैरह किया तो ये आ गया। आगे बढ़ जाओ, फिर वही ट्रायंगल का निकाला था ना पहले, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इस तरीके से कर लिया, तो ये कुल मिलाकर कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये हमने 120 अपॉन 2 क्यों लिखा है, एम ओ बी को, ये देखो एम ओ बी, ये 60 होगा कि नहीं, पूरा 120 था, 120 ये उसका आधा 60 होगा, इसलिए इसको 120 अपॉन 2 किया, नोट कर लेना बच्चों, हाँ ओ बी एम आ गया 30, यानी कि ये वाला एंगल ओ बी एम, ये वाला कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बार लगाएंगे साइन थीटा, एक बार लगाएंगे कॉस थीटा, तो साइन 30 होगा ओ एम अपॉन ओ बी, ओ एम अपॉन 12, तो ये हो गया 6, कॉस 30 क्या होगा √3/2, एम बी अपॉन 12, ये हो गया 12√3, ठीक। अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना था 12√3, ऊंचाई कितनी थी 6, सॉल्व किया ये आ गया 62.28। अब सेक्टर का एरिया कितना आया था बेटा 150.72, और सेक्टर के एरिया में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे
तो आपको सेगमेंट का एरिया यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरह से ये सवाल होते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।